नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के ऑडिटोरियम में आज शुरू हुआ आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक समन्वय सम्मेलन। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु इजिप्ट, अमेरिका, लेबनान एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से विद्वान, विचारक, दार्शनिक, धर्मावलंबी व न्यायविद आदि हस्तियाँ शिरकत कर रही हैं। सम्मेलन का उद्देश्य विश्व एकता के महान लक्ष्य के प्रति पूरे विश्व समाज को जागरूक करना है। सीएमएस कैंपस में देश विदेश से पधारे देश विदेश के प्रख्यात हस्तियों ने आज यहां सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुलाकात कर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से पधारे विद्वान जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि सीएमएस अपनी स्थापना के समय से ही संपूर्ण समाज में सर्वधर्म समभाव का अलग जगह है। सभी धर्मों का पूरा सम्मान सीएमएस की विचारधारा में शामिल है। सीएमएस का मानना है कि धार्मिक एकता से ही हृदयों की एकता स्थापित होगी और समाज में समरसता का वातावरण बनेगा। प्रोफेसर किंगडन ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन संपूर्ण विश्व समाज में एकता, शांति व सौहार्द का वातावरण स्थापित करने में सहायक होगा। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश विदेश से पधारे विद्वानों व विचारकों ने एक स्वर से कहा कि धर्म विवाद का नहीं वरन संवाद का विषय है और इस सत्य से बच्चों को अवगत कराना आज समय की मांग है। 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चलने वाला ये सम्मेलन विश्व के विभिन्न धर्मों के बीच संवाद कायम कर समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे मजाहिब के धर्मों के लोग यहाँ पर जमा हैं और ये सीएमएस स्कूल बरसों से इस बात की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व शांति स्थापित हो। इसके लिए सभी धर्म के लोगों को बुलाकर और यहाँ पर वार्तालाप करना और चर्चा करना अलग अलग विषयों पर, जिससे देश में और विदेश में शांति स्थापित हो सके, अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को और जो इस प्रोग्राम को आयोजन कर रहे हैं सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बुनियादी बात यह है कि दुनिया में जितने भी धर्मों के मानने वाले हैं, वेद इस सिलसिले में बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा दर्वेनस्य मेधुहाम ध्रुवेव धेनुर नपस्कुरन्ति। और इसी बात को पवित्र कुरान में कहा गया है कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअरफू। वेद का कहना है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, वो सब इसी भारत की धरती से हैं और भारत की धरती सबको समान रूप से यथौ कसम समान रूप से सबको आगे बढ़ने का और फलने फूलने का और अपने धर्म को प्रचारित करने का अवसर प्रदान करती है। और पवित्र कुरान भी इसी बात को कहता है। वेद ने जहाँ तक कहा है भारतीय संस्कृति में कि वसुधैव कुटुंबकम, कि दुनिया के सारे लोग एक ही परिवार के लोग हैं। और इसी बात को पवित्र ग्रंथों में कहा गया है, इस्लाम ने कहा है कि अलखल्क यालुल्लाह, के तमाम दुनिया में जितने लोग हैं सब एक ही ईश्वर के, एक ही अल्लाह के बंदे हैं। यही वो सूत्र है जिससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। अगर इन उद्देश्यों को, इन अनमोल उद्देश्यों को लेकर हम चलते हैं तो हमें विश्व शांति को स्थापित करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन वो ये रहा है कि हम छोटे छोटे कुटुंब में बंटकर, छोटे छोटे कबीलों में बंटकर, छोटे छोटे समुदायों में बंटकर, जातियों में बंटकर एक दूसरे में जो घृणा पैदा हो रही है, इस घृणा को मिटाने का काम ये जो हमारे स्वर्णिम सिद्धांत है यही करेंगे। एक और बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने मत हैं, मतांतर हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन धर्मों और समुदाय को समाप्त करके एक बना दिया जाए तो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। शांति एक बनाने से नहीं होती है, शांति एक दूसरे के रेस्पेक्ट से होती है।
हमें जब रेस्पेक्ट हम करना सीख लेंगे सभी धर्मों का, सभी समुदायों का और जातियों का, तो दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक बार दिल के गहराइयों से स्कूल मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।